नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। अब टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर सीबीआई की नजर, बुधवार को किया तलब। बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने फिर तलब किया है। उन्हें पशु तस्करी मामले में बुधवार को निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तृणमूल विधायक इद्रिस अली के घर पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया तोड़फोड़। मालूम हो कि बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर हलचल मची हुई है। अब मुर्शिदाबाद जिले के टीएमसी विधायक इद्रिस अली पर पद देने के नाम पर घूस लेने का आरोप लगाया गया है। इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। তাদের বিধায়ক ভগবান গোলার ইদ্রিস আলী, তিনি টাকার বিনিময়ে মণ্ডল সভাপতির পদ বিক্রি করছেন, এই অভিযোগ তারা ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে বলেছেন এবং তারা তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, ঢিল পাটকে ছুড়েছেন বলে আমাদের কাছে খবর রয়েছে। যে দলের নীতি আদর্শ বলে কিছু নয়, যাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গরিবের টাকা আত্মসাত করা আর টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করা, টাকার বিনিময়ে দলীয় পদ বিক্রি করা, সে দলে এটা ঘটবে, এটা স্বাভাবিক। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি আদর্শহীন দল, যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় সব সময়, যারা মানুষের বাক স্বাধীনতা ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, সেই দলকে ধিক্কার জানায়। जेल में सलाखों के पीछे भी पार्थ चटर्जी को सता रही है अर्पिता की चिंता। वकील से ली जानकारी। शिक्षा भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी जेल के सलाखों के पीछे है। पार्थ चटर्जी को कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में तो अर्पिता मुखर्जी को अलीपुर केंद्रीय जेल में रखा गया है, लेकिन पार्थ चटर्जी को जेल की सलाखों के पीछे भी अर्पिता मुखर्जी की याद सता रही है। बता दें कि उनके वकील सोमवार को प्रेसिडेंसी जेल में पार्थ चटर्जी से मिलने गए थे। सूत्रों के मुताबिक वकील से बात करते हुए तृणमूल के पूर्व नेता ने अर्पिता के बारे में जानना चाहा और उन्हें हर संभव अच्छी कानूनी मदद देने की बात कही। कोलकाता मेट्रो को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देश का पहला मेट्रो कोलकाता में चालू हुआ था, लेकिन आज हमारा मेट्रो सबसे पीछे है। राज्य सरकार की जमीनी नीति के कारण ऐसा है। अब रुक करते हैं जिलों से जुड़ी खबरों की ओर। बांकुड़ा रेलवे स्टेशन पर लेडी आरपीएफ अधिकारी ने प्लेटफॉर्म पे मां बेटी को मौत के मुंह में जाने से बचाया, खुद रेलवे ने की तारीफ। मंत्री बनने के बाद पहली बार कुचबिहार पहुंचे उत्तर बंगाल विकास दफ्तर के मंत्री व दिनहाटा के विधायक उदयन गुहा। उनके स्वागत में काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित थे। ट्रेन से उतरने के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। আমি কাল শিলিগুড়ি যাব, শিলিগুড়ি গিয়ে সব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব। সেখানে অফিসাররা আছেন, আধিকারিকদের সাথে কথাবার্তা বলে আগামী দিনে কোথায় কোথায় আমাদের ঘাটতি আছে সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করবার জন্য যা যা করা দরকার সেটা। ওদের তো কিছু বলার নেই, সেই জন্য বঞ্চিত করছে। 2011 সাল থেকে আজকে 2022 সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করেছেন সেটা যদি বাড়িতে একবার নাতি বা ছেলেপেলের কাছ থেকে স্লেট পেন্সিল নিয়ে বসে হিসেবটা করে তাহলে পরে বুঝতে পারবে যে কি ছিল আর কি হয়েছে। এক নজর দেশ আর দুনিয়া সে জুড়ি খবরো পর। महाराष्ट्र में नए 18 मंत्रियों में से 17 पहले भी रह चुके हैं मंत्री, एक भी महिला नहीं। मालूम हो कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के 40 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है। नए मंत्रियों में बीजेपी और शिंदे गुट दोनों के लोग शामिल है। मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर एक नजर। उर्फी जावेद ने दिया चाहत खन्ना को करारा जवाब, कहा एक्स पति का पैसा नए बॉयफ्रेंड पर लुटाना गलत बात है। धर्म से जुड़ी खबरों पर एक नजर। सप्ताह का हर वार किसी देवी देवता को समर्पित होता है। बुधवार का दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के छोटे पुत्र गणेश जी का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से जो भी गणेश की विधिवत पूजा करता है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।